ஓ தேரி ஓ இறப்பர் கருவிடி கருப்பிடி वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम जा रहे हैं राइड पे अपनी R15 V3 को लेके, R15 V3, और उधर पड़ा है मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। अभी चलते हैं और करते हैं अपनी राइड को कंटिन्यू, और आई होप हमारा व्लॉग अच्छे से शूट हो और कोई भी दिक्कत ना आए। आज मैं अपलोड ही करूँगा। ये देखिए कुदर है, ठीक है ठीक है, अभी निकलते हैं और करते। ओ तेरी ओ ये रफर करी कर बड़ी चाबी आ नहीं रही है दी। मैं डेड ही आई थी, चल थोड़ा करा ना। मैं कहना इसी इंजे करना नहीं, टायर कमकाना। आहो मोटरसाइकिल स्टार्ट करनी है, वो स्टार्ट करने भी ना। तू रहन दे पे ही बैठ ना, ना तो रहन दे। आप मैं और कुछ आखना आप ओ है कि डाच इतों ही आना यार, कही गल करना है तुम भाई। गड़बड़ी हो गई यार, अबे यार इसके अलग ही रफड़ा भाई। बै कौन सा है, तीसरे में करूं क्या? चल 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 स्टार्ट। भाई साहब यार हो गया स्टार्ट, इसका तो अलग ही रफड़ है। तीसरे में क्यों नहीं हुआ यार? चलो दूसरे में हो गया, कोई बात नहीं, आज नहीं इसको निकालूंगा, इसको स्कूटी पे ही करूंगा राइड। रहने दो बेंचो, ये तो रफड़ हुआ था किसी। अब ये क्या बॉडी टच अभी यार, इसको नहीं, अब ज़्यादा नहीं कर सकता इस पे राइड यार। बैटरी चार्ज करवानी पड़ेगी इसकी या फिर चेंज होगी, दो में से एक काम हो गया, पता नहीं क्या सीन है यार। थोड़ी सी वो हो जाए तो डेड हो जाती है। अबे यार कांटे लगे मेरे को भाई। क्या ड्रामे लगा के रखा हुआ है? अबे यार ये तो खराब हो गई थी तो भाई, अभी इधर रुकाऊ मैं इसको। यार गड़बड़ी कर रही है, पता नहीं क्या सीन है इसका। चलता हूँ अभी यार, एक रफ पड़ता ही रहता है इसमें, पता नहीं क्या सीन है इसको। ना किसी दिन लॉन्ग राइड लेके जाना ही पड़ेगा अखनूर तक, नहीं ना ये तब तक ठीक नहीं होगी बैटरी। मैं इसको चलाता ही नहीं हूँ, चार्ज कैसे होगी भाई? अपरावा जब तुम गाड़ी को ऐसे एक जगह रख दो ना, ये देखो जब तुम ऐसे इसको चलाओ ही नहीं ना तभी होता है। स्टार्ट तो हो रही थी वहाँ से, ओके वहाँ तक गई, पर मैंने चाबी ऑन कर दी भाई, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर चाबी ऑन करके नहीं रखनी चाहिए थी, है ना। माले मन तो देखूंगा, अगर ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट में तो मैं बैटरी चेंज करवा दूंगा भाई। मेन वजह है ना, मैं R15 नहीं निकालता। मैं काफ़ी बंदे बोलते तो R15 पे इतना राइड नहीं करता, वो है हमारा रोड भाई। उस पर चल चल के ना मेरी स्कूटी भाई पूरी टूट गई, तो अगर मैं R15 इस पर निकालूँ भाई, ये भी मेरे को डर है कि ये भी इतना ना हो जाए, इसीलिए मैं उसको इतना निकालता नहीं हूँ। बट यार क्या करूँ, अगर ऐसे खड़ी भी रहेगी तब भी ख़राब होगी यार। बट बैटरी तो चेंज हो सकती है भाई, बट अगर बॉडी को कुछ हुआ पूरी ठनक जाएगी ना तो फिर नहीं, क्योंकि मेरे को अगर चीज़ मेरे को गाड़ी चाहिए भाई, ओके रिपोर्ट। मैं धूप में नहीं ना निकालता हूँ उसी वजह से। ले भाई इसको आज थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट कर रखता हूँ,
अपनी R15 को इधर पार्क कर दिया है और भाई इसको थोड़े दिन स्टार्ट रखूंगा मैं थोड़ी देर के लिए, ताकि भाई इसकी बैटरी चार्ज हो जाए, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था और उसी वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में।